तो आइए अब ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखें। ऑपरेटिंग रेशियो या संचालन अनुपात की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम शुद्ध विक्रय का संचालन की जो लागतें होती है, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है, उससे एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एक अनुपात की हम गणना करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो में वास्तव में जो माल बेचा गया है उसको बनाने में लागत कितनी आई है, एक तो इसकी कैलकुलेशन हो जाती है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि संचालन व्यय का जो टोटल योग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो अलग हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। संचालन व्यय में यहाँ हमने जैसे कि पहले भी देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत ऐड हो जाते हैं, जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। यहाँ जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि संचालन लागत की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय दोनों को ही शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि गैर संचालन व्यय जो होते हैं वो इससे अलग कर दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दी गई है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि संचालन व्यय के बारे में सीधी सीधी जानकारी नहीं है तो ज़रूर उससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स दिए होंगे जिसके आधार पर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकें। कई बार ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ सेल या अदर एक्सपेंसेस दे दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ सेल और अदर जो ऑपरेटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको जोड़ के भी ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हम अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको शामिल करके भी ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित आंकड़ों से देनदार आवर्त अनुपात और औसत संग्रह अवधि की गणना कीजिए। पहला, वर्ष भर की कुल बिक्री 4 लाख रुपए, वर्ष भर की नगद बिक्री 80,000 रुपए, वर्ष के आरंभ में देनदार 35,000 रुपए, वर्ष के अंत में देनदार 45,000। दूसरा, कुल बिक्री 8 लाख, नगद बिक्री 2 लाख, देनदार 75,000। बी, देनदार आवर्त निकालिए। यदि कुल बिक्री 5 लाख, नगद बिक्री 1,40,000 और उधार बिक्री 3,60,000 है, वर्ष के आरंभ में देनदार 32,000 और वर्ष के अंत में देनदार 48,000 के हैं। यहाँ क्योंकि हमको अलग अलग कंडीशन में डेटर्स टर्न ओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो के लिए हमने देखा कि हमको नेट क्रेडिट सेल चाहिए और एवरेज डेटर चाहिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमने देखा कि एवरेज डेटर चाहिए हमको इंटू 365 और नेट क्रेडिट सेल चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो हम इस कंडीशन में नेट क्रेडिट सेल ही ज्ञात कर लें। बहुत इजी हमको यहाँ पर है नेट क्रेडिट सेल निकालना, क्योंकि टोटल सेल भी स्पष्ट रूप से दे दी गई है, कैश सेल भी स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। तो टोटल सेल है हमारा 4 लाख, इसमें हम माइनस कर दे कैश सेल यानी कि 80,000, तो 3,20,000 जो है वो हमारा नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। अब हम एवरेज डेटर्स कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास ओपनिंग डेटर्स भी है 35,000 के, क्लोजिंग डेटर्स भी है 45,000 के, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40,000 जो है वो एवरेज डेटर्स हो जाएंगे। तो हमने नेट क्रेडिट सेल भी ज्ञात कर लिया, एवरेज डेटर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बहुत आसानी से हम एवरेज डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल है हमारा 3,20,000, एवरेज डेटर है हमारा 40,000, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाएगा 8 टाइम।
और एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज डेटर इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाई 3,20,000, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 45 डेज के लगभग, अप्रोक्स 45 डेज। सेकेंड कंडीशन में हमको नेट क्रेडिट सेल कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो टोटल जो सेल है वो है 8 लाख और कैश सेल जो है वो है 2 लाख, यानी 6 लाख जो है वो नेट क्रेडिट सेल हो जाएगा। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, तो डेटर्स टर्न ओवर रेशियो के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर, तो नेट क्रेडिट सेल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 6 लाख और एवरेज डेटर जो है वो 75,000 दिया हुआ है डेटर्स। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग जैसी कोई बात नहीं है, तो हम डेटर्स को ही एवरेज डेटर मान लेंगे 75,000 और बहुत आसानी से हम यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 इक्वल टू 8 टाइम्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हम बहुत आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 12/ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया 8 टाइम, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 या फिर 3/2 मंथ। बी देख रहे हैं यहाँ पर टोटल सेल दी गई है, कैश सेल दिया गया है, क्रेडिट सेल दिया गया है, ओपनिंग डेटर्स दिए गए हैं, क्लोजिंग डेटर्स दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एवरेज डेटर निकाल लेंगे। एवरेज डेटर में आ जाएगा ओपनिंग डेटर्स 32,000, क्लोजिंग डेटर 48,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 80,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40,000। डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन में निकाल के ही दे दिया है 3,60,000, तो बहुत आसानी से हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे नेट क्रेडिट सेल 3,60,000 अपॉन एवरेज डेटर 40,000 यानी 9 टाइम डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा हमारा 9 टाइम। आइए अब विनियोग पर आधारित कुछ अनुपातों की गणना करें। यहाँ हम ज्ञात करेंगे विनियोग आधारित अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर विनियोग का सीधा सीधा संबंध लाभ से होता है। कोई विनियोजक जब कहीं इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि वहाँ पर उसको लाभ कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वहाँ वो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट करे कि ना करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लाभ जो है उसका सीधा सीधा संबंध होता है विक्रय से यानी कि सेल से, तो इस कंडीशन में हम कुल पूंजी और कुल संपत्ति के आधार पर विनियोग पर जो आधारित अनुपात है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन 200 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने पहले भी देखा कि किस तरह से हम जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि हमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए इसकी कैलकुलेशन के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर कुछ कृत्रिम संपत्तियाँ भी होंगी। जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम जो फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, उसको भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अभी तक हम जब टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो फिक्टिटियस एसेट्स हम उसमें से अलग कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर हमको फिक्टिटियस एसेट्स यानी कृत्रिम संपत्ति को भी शामिल करना है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, जैसे कि गुडविल है या प्रीमरी एक्सपेंसेस है, प्रारंभिक व्यय है, अभिगोपन संबंधी, कमीशन संबंधी व्यय हमने देखे थे लेखांकन अनुपातों के अंतर्गत। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है कि अगर प्रश्न में शेयर और डिबेंचर रिलेटेड कोई जानकारी दी गई है तो हमको उसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है कि क्या उस शेयर या डिबेंचर पर कोई डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है। अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है डिस्काउंट ऑन शेयर या फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो उसको भी हमको यहाँ पर प्लस कर लेना है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्न जानकारी से स्वामित्व अनुपात की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट प्रोप्राइटरी रेशियो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख,
करेंट लाइबिलिटीज 50,000, नॉन करेंट एसेट्स 3,60,000, करेंट एसेट्स 90,000। प्रोप्राइटरी रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने देखा प्रश्न में कि किस प्रकार जब हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर फंड का हम टोटल एसेट्स पर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमको शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन करनी होगी। अब क्योंकि हमको शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि टोटल एसेट्स क्या है और उसके बाद फिर टोटल लाइबिलिटीज क्या है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम शेयर होल्डर फंड यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ करंट एसेट्स अलग से दिया गया है, नॉन करंट एसेट्स अलग से दिया गया है, दोनों को हम प्लस कर देंगे और फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लाइबिलिटीज। तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर फंड इक्वल टू करंट एसेट्स 90,000, नॉन करंट एसेट्स 3,60,000, माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2,00,000, माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,00,000, माइनस करंट लाइबिलिटीज 50,000। तो डिफरेंस जो आता है 1,00,000, ये हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब क्योंकि हमको टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट कर ली थी कि 90,000 जो है वो करंट था और 3,60,000 जो है वो नॉन करंट है, यानी कि टोटल एसेट्स है 4,50,000। प्रॉपर्टी रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हमको शेयर होल्डर फंड चाहिए था जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया 1,00,000, टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया 4,50,000। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, यानी 1,00,000 अपॉन 4,50,000, यानी 0.22:1, या हम कह सकते हैं 22%। निम्न सूचनाओं से स्वामित्व अनुपात की गणना कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 6,00,000, प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल 3,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस 3,00,000, नॉन करेंट एसेट्स 22,00,000, करेंट एसेट्स 14,00,000। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स चाहिए, यानी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स जो है उसको हम स्पष्ट रूप से करंट एंड नॉन करंट एसेट्स दोनों दिए गए हैं, तो दोनों को टोटल करके हम बहुत आसानी से टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाता है टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी 22,00,000 प्लस 14,00,000, यानी 36,00,000 टोटल एसेट्स। प्रॉपर्टी फंड हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है, प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल दी गई है और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है। तो इसके बेस पे अभी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी फंड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,00,000 प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 3,00,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 3,00,000। तो ये हो जाएगा टोटल 12,00,000 प्रोप्राइटर्स फंड। फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोप्राइटर्स रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, जो कि प्रोप्राइटर्स फंड है 12,00,000 और टोटल एसेट्स है 36,00,000। अब अगर हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 12,00,000 अपॉन 36,00,000 इंटू 100, यानी कि 33.33%। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार हम लेखांकन अनुपातों का प्रयोग करके वित्तीय विवरणों के बहुत सारी मदों में आपस में संबंध जान सकते हैं, दो मदों में अनुपात क्या है, प्रतिशत परिवर्तन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। हमने देखा कि विभिन्न लेखांकन अनुपातों की तुलना करके एक व्यवसायी किस प्रकार से अपने व्यवसाय के भविष्य के लिए निर्णय ले सकता है। आगे आने वाले अध्याय में हम इन्हीं लेखांकन अनुपातों के आधार पर देखेंगे कि इन लेखांकन अनुपातों का प्रयोग हम कैश फ्लो के लिए, यानी कि रोकड़ प्रवाह का पता लगाने के लिए किस प्रकार करते हैं। 31 मार्च 2002 को निम्नलिखित ए लिमिटेड का तुलन पत्र है। लायबिलिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड अप 1,92,000, प्रॉफिट एंड लॉस 48,000, 10% डिबेंचर 1,20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,87,200, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,800, टोटल ऑफ लायबिलिटीज 5,52,000, एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000, स्टॉक 96,000, डेटर्स 1,00,000, डेटर्स 72,000, कैश एट बैंक 18,240,
प्रिमिनरी एक्सपेंसेस 5760. कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज. फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो. इस प्रश्न में हमको दी गई बैलेंस शीट के आधार पर करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर जब हमको करंट रेशियो निकालना है तो वहां हमको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. और जब हमको क्विक रेशियो निकालना होगा तो हमको जरूरत पड़ेगी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो कुल मिलाकर हमको करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए. तीन चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकाल सकेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लें. तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में देख रहे हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी मदें दी गई हैं. फर्स्ट जो प्लांट एंड मशीनरी है वो तो फिक्स एसेट्स है तो उसको शामिल करेंगे नहीं. यहाँ पे है स्टॉक 96,000 का, डेटर्स है 72,000 का, कैश एट बैंक है 18,240 और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस है 5,760. इन चारों मदों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 1,92,000 की करंट एसेट्स आ जाएगी. दूसरा करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लें. तो करंट लायबिलिटी के लिए यहाँ पर हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देख रहे हैं कि हमारे पास करंट लायबिलिटी में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,87,200 और उसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक पॉइंट है जो कि करंट लायबिलिटी का पॉइंट है 4,800 यानी 1,92,000 जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी हो गई. अब हमको यहाँ पर क्विक एसेट्स की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्विक रेशियो भी हमको यहाँ कैलकुलेट करना है. तो हमने वीडियो में देखा था कि क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो करंट एसेट्स होता है उसमें से स्टॉक और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टॉक और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे. तो करंट एसेट्स हमने ज्ञात किया था 1,92,000, इसमें से हम स्टॉक 96,000 और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस 5,760 अगर माइनस कर देते हैं तो 90,240 हमारा क्विक एसेट्स हो जाता है. अब हमको हमने करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली, करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लिया, क्विक एसेट्स फाइंड आउट कर लिया. अब हम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे और बहुत आसानी से करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स हमने ज्ञात किया है 1,92,000 का और करंट लायबिलिटी भी हमारी आई है 1,92,000 की. तो 1,92,000 अपॉन 1,92,000 यानी 1:1 हमारा करंट रेशियो हो जाएगा. क्विक रेशियो हमको ज्ञात करना है. यहाँ पर क्विक रेशियो के लिए फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो क्विक एसेट्स हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 90,240 और करंट लायबिलिटी हमने ज्ञात की थी 1,92,000. तो ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू 90,240 अपॉन 1,92,000 यानी 0.47:1. ये हमारी हमारा क्विक रेशियो हो जाएगा. कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड गिवन योर कमेंट ऑन देयर. फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो. बैलेंस शीट ऑफ रिजल्ट एज ऑन 31st March 2002. लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व 1,35,000, करंट लायबिलिटीज अदर देन ओवरड्राफ्ट 1,95,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000, मशीनरी 1,20,000, स्टॉक 2,23,500, सन्डे डेटर्स 1,06,500, बैंक बैलेंस 30,000, कैश इन हैंड 15,000. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट हमको दी गई है उसके अकॉर्डिंग और हमको ज्ञात क्या करना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. तो करंट रेशियो के लिए हमने जैसे कि देखा हमको दो चीजें चाहिए होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो के लिए हमको चाहिए होता है क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी. ओवरऑल हमको तीन चीजें ज्ञात करनी है, एक तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और तीसरा क्विक एसेट्स. तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लें. यहाँ पर बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है करंट एसेट्स. तो सबसे पहले दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये तो फिक्स एसेट्स है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है. अब हम आ जाते हैं स्टॉक पे, तो स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट्स है, डेटर हमारे लिए करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड ये हमारा करंट एसेट्स है. तो करंट एसेट्स में हम सबको जोड़ देते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू स्टॉक 2,23,500 प्लस सन्ड्री डेटर्स 1,06,500 प्लस बैंक बैलेंस 30,000 प्लस कैश इन हैंड 15,000 यानी करंट एसेट्स हमारा हो जाएगा 3,75,000.
करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी इक्वल टू जो हमारी अदर देन ओवरड्राफ्ट वाली करंट लायबिलिटी है जिसको हमने यहाँ पे देखा था 1,95,000 है, और उसमें हम प्लस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 90,000 का। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो करंट लायबिलिटी हमको मिल जाती है 1,95,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 2,85,000। हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम क्विक एसेट्स यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट्स का, कि अगर हम करंट एसेट्स में स्टॉक प्रिमिनरी एक्सपेंसेस प्रोविजन स्टॉक या प्रिमिनरी एक्सपेंसेस इस तरह की मदें अगर जब हम इस घटा देते हैं तो हम क्विक एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्विक एसेट्स निकालेंगे। क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यानी 3,75,000 माइनस 2,23,500, क्योंकि करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 3,37,000 और स्टॉक यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 2,23,500 है। इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1,51,500। तो अब करंट रेशियो हम ज्ञात कर लेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 3,75,000 और करंट लायबिलिटी है 2,85,000, तो ये हो जाएगा 1.3:1। अब ऐसे ही क्विक रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स हमने फाइंड आउट किया था 1,51,500 और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी है 2,85,000। तो क्विक रेशियो हमारा आ जाएगा 0.53:1। चालू अनुपात 2.5 है तथा कार्यशील पूंजी 60,000 रुपए है। चालू परिसंपत्तियों एवं चालू देयताओं की राशि की गणना कीजिए। करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पर हमको केवल करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको एक तो करंट रेशियो जो हम अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे थे उसको इसने कैलकुलेट करके दे दिया है 2.5, और हमारे पास ना तो करंट एसेट्स है यहाँ पर करंट और ना ही करंट लायबिलिटी है। तो कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट रेशियो जो है वो है 2.5, तो हम इसको फॉर्मूले बेस्ड हम इसको जमा लेंगे। 2.5 इक्वल टू करंट एसेट्स यानी कि CA अपॉन करंट लायबिलिटी यानी कि CL, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी यानी कि CL इक्वल टू CA यानी कि करंट एसेट्स, और फिर ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में CA जब हम पक्षांतर करके लाएंगे बाई ओर तो ये हो जाएगा CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू जीरो। यानी एक चीज हमको यहाँ पर हमने निकाली है कि करंट एसेट्स माइनस यानी कि एक हमने समीकरण की तरह इसको लिख लिया है, और क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स यानी कि CA माइनस CL इक्वल टू 60,000, ये हमको ज्ञात है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन अगर हम बना ले इसके लिए तो ये हो जाएगा CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले ज्ञात किया था, और उसके बाद CA माइनस 1 इंटू CL इक्वल टू 60,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट जो CA है वो प्लस में है तो ये माइनस साइन आएगा, लास्ट जो माइनस 1 और CL है तो माइनस है तो वो प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो CA है एक के नीचे एक वो तो कट जाएगा, लेकिन माइनस 2.5 और प्लस 1 जो है ये कैलकुलेट होके हो जाएगा 2.5 माइनस 1 यानी कि माइनस 1.5, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है 2.5 वो बड़ा है 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 CL इक्वल टू 60,000, और ये माइनस में आ जाएगा 60,000 क्योंकि इसके पहले हम देख रहे हैं कि वो प्लस में था, चेंज किए हम ये तो माइनस में आ गया। और अब जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा CL इक्वल टू 60,000 अपॉन 1.5, या तो हम दोनों के माइनस को एक स्टेप में लिख के फिर कट करें या फिर हम डायरेक्ट हटाकर माइनस 60,000 अपॉन 1.5 करें। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये CL यानी कि करंट लायबिलिटी हो जाएगा 40,000। अब करंट लायबिलिटी क्योंकि हमने ज्ञात कर ली है कि 40,000 है तो करंट एसेट्स क्या होगा, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी इंटू 2.5 है, तो करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 40,000 यानी कि करंट एसेट्स हम ज्ञात कर लेंगे 1 लाख।
करंट रेशियो इज 3.5, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको करंट रेशियो दे दिया गया है और वर्किंग कैपिटल दिया गया है और हमको यहाँ पर चालू संपत्ति और चालू दायित्व निकालना है, तो लगभग इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ अलग मेथड्स भी हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्योंकि 3.5 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर 3.5 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटी का 3.5 गुना है। वर्किंग कैपिटल हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया गया है कि वो 90,000 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सी ए माइनस सी एल इक्वल टू 90,000। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि करंट एसेट्स जो है उसके नीचे हम लिख सकते हैं 3.5 करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमने ऐसा ज्ञात किया है पहले। करंट एसेट्स के जस्ट नीचे हम लिखेंगे 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000, क्योंकि जो करंट एसेट्स है वो हमने देखा कि करंट लायबिलिटी इंटू 3.5 है। तो जब 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, यानी हम देखते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000, और फिर जब हम पक्षांतर करेंगे इसका मल्टीप्लाई के साथ है ये 2.5, तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000 अपॉन 2.5 इक्वल टू 36,000, या हम इसको लिख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी, 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी 36,000 है, तो 3.5 इंटू 36,000 यानी 1,26,000। 31 मार्च 2006 पर निम्न तुलन पत्र टाइल मशीन लिमिटेड का है। लायबिलिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000, 8% डिबेंचर 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, क्रेडिटर्स 23,400, प्रोविजन फॉर टैक्स 300, टोटल ऑफ लायबिलिटी 69,000, एसेट्स बिल्डिंग 45,000, स्टॉक 12,000, डेटर्स 9,000, कैश इन हैंड 2,280, प्रीपेड एक्सपेंसेस 720। या हमको चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो और तरल अनुपात यानी कि लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि करंट रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो के लिए हमको चाहिए लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो कुल मिलाकर हमको पहले तीन चीजें यहाँ पर ज्ञात कर लेनी है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ फर्स्ट हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी करंट एसेट्स है हमारे पास। सबसे पहले बिल्डिंग दी गई, तो बिल्डिंग तो फिक्स एसेट्स है। उसके बाद है स्टॉक जो कि करंट एसेट्स है, डेटर्स हमारे लिए करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड करंट एसेट्स है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स में हम जोड़ देंगे सबसे पहले स्टॉक 12,000 प्लस डेटर्स 9,000 प्लस कैश इन हैंड 2,280 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 720। तो यहाँ पर करंट एसेट्स हमको ज्ञात हो जाएगा 24,000। ऐसे ही हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ हम देख रहे हैं करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है हमारे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 का, उसके बाद क्रेडिटर्स है हमारे पास 23,400 के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है हमारे पास 600 का, टोटल करंंट लायबिलिटी हो जाती है हमारी 30,000। अब क्योंकि हमको करंट एसेट्स भी मिल गया है, करंट लायबिलिटी भी मिल गई है, तो हम करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट रेशियो इक्वल टू 24,000 अपॉन 30,000, यानी ये हो जाएगा 0.8:1। अब लिक्विड एसेट्स हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि लिक्विड रेशियो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो लिक्विड एसेट्स हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम हटा दें तो बैलेंस जो बचता है वो लिक्विड एसेट्स हो जाता है।
तो करंट एसेट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं 24,000 हमने ज्ञात किया था, इसमें स्टॉक है 12,000 का और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 720, दोनों को हम हटा दें तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगी 11,280। तो ये लिक्विड रेशियो हो जाएगा 11,280 अपॉन 30,000, यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये हो जाएगा 0.376 अपॉन 1, या फिर हम कह सकते हैं कि 0.376:1। शाइन लिमिटेड का चालू अनुपात 4.5:1 एवं तरल अनुपात 3:1 है। यदि स्टॉक 36,000 है तो चालू दायित्व और चालू परिसंपत्तियां परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमको दो चीजें दी गई है, एक तो करेंट रेशियो दिया गया है 4.5:1 और एक लिक्विड रेशियो दिया गया है 3:1, और स्टॉक दिया गया है 36,000। इन तीनों पॉइंट के बेस पे हमको कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। एक तो अभी तक हम इनको ज्ञात करते थे करंट रेशियो को और लिक्विड रेशियो को, लेकिन अब ये चीजें हमको यहाँ पर निकाल के दे दी गई हैं और इनके आधार पर हमको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है हमको। तो क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा करंट रेशियो का, फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्योंकि करंट रेशियो है 4.5:1, तो करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं 4.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो ये हो जाता है 4.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स। और क्योंकि हम यहाँ पर लिक्विड रेशियो भी हमको यहाँ पर निकाल के दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है। लिक्विड रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं 3:1, यानी कि 3:1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। और उसके बाद हम जब लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करना चाहें तो हमको लिखना होगा यहाँ लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, इफ प्रीमियम माइनस स्टॉक, तो स्टॉक हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस 36,000, यानी कि एक इक्वेशन जैसा ये हो जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 36,000। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखिए तो पहले हमने देखा था कि करंट लायबिलिटी 4.5 करंट लायबिलिटी दिखी थी हमको, और अब हम देख रहे हैं कि 3 करंट लायबिलिटीज है, यानी ओवरऑल इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 1.5 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 36,000, और क्योंकि यहाँ पर जो करंट एसेट्स है वो है करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटीज, तो इसके बेस पे हमने ये कैलकुलेशन की और 1.5 करंट लायबिलिटी याद की, तो ये हो जाएगा 1.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 36,000। तो ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा 36,000 अपॉन 1.5, यानी कि करंट लायबिलिटी हो जाएगा 24,000। अब यहाँ पर हमको क्योंकि मालूम है कि जो हमारा करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी का 4.5 गुना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 इंटू 24,000, यानी कि 1,08,000 भी लिख सकते हैं। यदि चालू अनुपात 2:1 हो तथा चालू देयताएं 30,000 हो तो चालू परिसंपत्तियों की गणना कीजिए। दूसरा, यदि चालू देयताओं की गणना कीजिए यदि चालू परिसंपत्तियां 6,30,000 हो तथा चालू अनुपात 2.5:1 हो। तीसरा, यदि चालू देयताएं 60,000 रुपये हो, चालू अनुपात 2.2:1 हो तथा त्वरित अनुपात 1.2:1 हो तो चालू परिसंपत्तियां त्वरित परिसंपत्तियों तथा स्टॉक की गणना कीजिए। बी, निम्न सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए। पहला, चालू अनुपात। दूसरा, तरलता अनुपात लेनदार 1,60,000, देय बिल 40,000, अदत्त व्यय 20,000, रोकड़ 1,00,000, देनदार 2,00,000, बैंक में रोकड़ 50,000, रहतिया 90,000, पूर्व दत्त व्यय 30,000, प्राप्य बिल 50,000। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पॉइंट में हमको अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। जैसे कि सबसे पहले ए जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि हमको निकालना है चालू परिसंपत्तियों को, यानी कि करंट एसेट्स को। दिया क्या गया है हमको यहाँ पर, करंट रेशियो दिया गया है। तो
करंट रेशियो भी दिया गया है और हमको यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी दी गई है। तो अगर हम करंट रेशियो के बेस पे हम चालू परिसंपत्ति यानी करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मूला हम करंट रेशियो का ही लगाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी ये हो जाए, क्योंकि करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, यानी हम इसको लिख सकते हैं करंट रेशियो की जगह पर 2:1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 30,000। और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा CA यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू 30,000 इंटू 2 यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 60,000। बहुत आसानी से हम यहाँ पर चालू अनुपात और चालू देयताएं यानी कि करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी के बेस पे करंट एसेट्स हम ज्ञात कर सकते हैं 60,000। सेकेंड कंडीशन में हमको करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है जबकि करंट एसेट्स दिया गया है और करंट रेशियो दिया गया है, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं 2.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह हम लिखेंगे 6,30,000 और अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2.5 CL इक्वल टू 6,30,000 और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा CL इक्वल टू 6,30,000 अपॉन 2.5। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी 2,52,000। थर्ड कंडीशन में यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट रेशियो दिया गया है, करंट लायबिलिटी दी गई है और फिर इसके बेस पे हमको करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है। तो करंट रेशियो क्योंकि 2:1 दिया गया है तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी करंट रेशियो की जगह पर हम 2:1 लिखेंगे इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 60,000 है तो उसकी जगह पर हम 60,000 ही लिखेंगे। और अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा CA यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू 60,000 इंटू 2.2 यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू 1,32,000। साथ में हमको यहाँ पर क्विक रेशियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं और इसके बेस पर हमको यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेट करना है, स्टॉक की गणना कीजिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि 1:1 हम क्विक रेशियो की जगह लिखेंगे। और क्विक एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 1,32,000 जो अमाउंट यहाँ पर दी गई है उसमें से हम स्टॉक को अगर माइनस कर देते हैं, यानी कि करंट एसेट्स जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से अगर हम स्टॉक को माइनस कर दे तो हमको क्विक एसेट्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,32,000 माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी यानी कि अपॉन 60,000। और अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 1,32,000 माइनस स्टॉक इक्वल टू 60,000 इंटू 1.2 और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा स्टॉक इक्वल टू 1,32,000 माइनस 72,000 और स्टॉक हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर 60,000। नेक्स्ट बी पॉइंट जो है वहां पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं और उसके आधार पर हमको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के लिए हमको करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए और साथ में हमको लिक्विड एसेट्स भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लें, देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कैश, डेटर्स, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक। कैश तो ये सारी चीजें हमारे चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स के कैलकुलेशन में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 लाख प्लस डेटर यानी कि कैश 1 लाख प्लस डेटर 2 लाख प्लस कैश एट बैंक 50,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 प्लस स्टॉक 90,000 यानी कि 5,20,000 ये हमारा करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां हमारी हो जाएंगी 5,20,000 की।
और त्वरित संपत्ति यानी कि क्विक एसेट्स हमको इसमें से निकालना है, तो हम ये जो टोटल हमने करंट एसेट्स यानी कि चालू परिसंपत्तियां कैलकुलेट की है, तो इनमें सीधा सीधा सा हम रहतिया को माइनस कर देंगे और अगर पूर्व दत्त व्यय है तो उसको माइनस कर देंगे। तो 5,20,000 में हम 90,000 और 30,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे जो क्विक एसेट्स है वो हो जाएगी 4,00,000। हमने क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट कर ली, करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां भी कैलकुलेट कर ली, अब हम चालू दायित्व कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार है 1,60,000 का, और ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद देय बिल है बिल्स पेबल 40,000, ये प्लस हो जाएगा, और फिर अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000 के, ये प्लस हो जाएंगे, यानी टोटल 2,20,000 हमारा करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अब हम ये जो हमने ज्ञात, इसके आधार पर हम बहुत आसानी से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो का यानी चालू अनुपात का फॉर्मूला है हमारा चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो चालू संपत्तियां हमने कैलकुलेट की थी 5,20,000 और चालू दायित्व हमने ज्ञात किया था 2,20,000, तो ये हो जाएगा हमारा 2.36/1, या फिर और हम इसको राउंड ऑफ अगर हम करना चाहें तो हम इसको ले सकते हैं 2.4/1, और अनुपात में हम इसको व्यक्त करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2.4:1। सेकेंड, हम इसमें बहुत आसानी से लिक्विड एसेट्स यानी कि त्वरित अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो ये त्वरित अनुपात हो जाता है त्वरित संपत्ति बटे चालू दायित्व। त्वरित संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 4,00,000, और चालू दायित्व हमने कैलकुलेट किया था करंट लायबिलिटी 2,20,000, तो ये हो जाता है 1.8/1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1.8:1।